हेलो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करें आज का सेशन आज के सेशन में हम सीखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं एच टी एम एल में वॉट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनको रीड करते ही उनका फंक्शन पता चलता है और उनके अंडर कौन सा डाटा लिखा जाएगा ये क्लियर हो जाता है तो क्या है सिमेंटिक एलिमेंट सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड टू द डेवलपर। सिमेंटिक एलिमेंट को रीड करते ही ब्राउजर को और डेवलपर को यह पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा डाटा लिखा होगा एग्जाम्पल है सिमेंटिक एलिमेंट्स की फॉर्म टैग टेबल टैग आर्टिकल टैग एटसेट्रा फॉर्म टैग को रीड करते ही ये पता चलता है कि एक फॉर्म क्रिएट किया जाएगा फॉर्म के एलिमेंट्स जो हैं फॉर्म के अंडर होंगे और टेबल टैग को रीड करते ही ये पता चलता है कि टेबल टैग के अंडर कौन सा डाटा आएगा टेबल के रिलेटेड डाटा आएगा और आर्टिकल को रीड करते हुए ये क्लियर हो जाता है कि आर्टिकल के अंडर आर्टिकल के रिलेटेड डाटा आएगा तो सिमेंटिक टैग्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको रीड करते ही उनके डेटा uh, का पता चल जाता है जो उनके अंडर आएगा तो ये क्लियरली डिफाइन करते हैं अपने डेटा को और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो उनको रीड करते ये नहीं पता चलता कि उनके अंडर कौन सा डेटा रखा जाएगा जैसे कि डिव टैग और स्पेन टैग इनके अंडर कौन सा डेटा रखा जाएगा ये डिव टैग को रीड करते ही पता नहीं चलता तो नॉन सिमेंटिक टैग्स ऐसे टैग्स हैं जो डू नॉट टेल एनी थिंग अबाउट इट्स कंटेंट जो कि अपने कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं क्लियर करते तो आई होप कि आपको एच डी एम एल में सिमेंटिक एलिमेंट्स uh, का क्या इस्तेमाल है क्या मीनिंग है ये क्लियर हुआ होगा तो आज के सेशन में यहीं तक यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ till then have a nice time and uh, thank you keep on watching our channel and please subscribe our channel thank you and bye bye